जो देश यूनिटी के साथ रहता है, मेल मिलाप से बहुत ब्लेस्ड होता है, बहुत आशीषित होता है। क्योंकि राजा अहाब के समय में, जब उस समय पे रानी इजेबेल जो थी वो सारे परमेश्वर के नबियों को मार रही थी, तो एक व्यक्ति ने सारे नबियों को छुपा रखा था, उनको बचाने के लिए। और ये पूरे वहां के इजराइल के लोग जानते थे कि इस व्यक्ति ने सारे नबियों को छुपा रखा है, उसने फिर भी खबर नहीं दी। और जो लोग जानते थे उन्होंने भी खबर नहीं दी, वो यूनिटी के साथ रहे, क्योंकि उनको पता था रानी इजेबेल जो है परमेश्वर के नबियों को मार रही है, यूनिटी के साथ रहे। इसीलिए राजा अहाब के समय में राजा अहाब ने जितने युद्ध लड़े वो सारे जीते, क्योंकि परमेश्वर की कृपा रही। जब आप यूनिटी के साथ रहते हो परमेश्वर की कृपा रहती है। शाऊल के समय पर यूनिटी नहीं थी, लोग आपस में मेल मिलाप से नहीं रह रहे थे, इसीलिए शाऊल मारा गया। दाऊद के समय में भी सेम यही कहानी थी, दाऊद के समय में लोग यूनिटी के साथ नहीं रहते थे, इसी कारण दाऊद ने हमेशा सारे युद्ध नहीं जीते, कुछ युद्ध उसने हारे भी। यूनिटी परमेश्वर को पसंद है। जब बाबेल का घूमट बनाया जा रहा था, जिस घूमट को बना रहे थे, उन सबकी बातें जो थी घमंड से बड़ी भरी बातें थी, उन्होंने बोला स्वर्ग तक हम इसकी मतलब चोटी को पहुंचाएंगे, इसको इतना ऊंचा कर देंगे। एक बोली थी वचन का, एक बोली एक स्वर से वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने क्यों नहीं उनको मारा और तबाह किया, परमेश्वर ने क्यों उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि वो लोग एक यूनिटी के साथ रह रहे थे। जब आप मेल मिलाप से रहते हो परिवार में, कलिसिया में, देश में, यूनिटी के साथ रहते हो तो आप ब्लेस्ड होते हो। आज घर में क्या है, बाप की बेटों से नहीं बनती, बेटों के बाप से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती, पत्नी की पत्नी से नहीं बनती, यूनिटी है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। जो भाभी है वो नंद को देखना नहीं चाहती, नंद जो है भाभी को देखना नहीं चाहती, यूनिटी नहीं है। सास बहू को देखना नहीं चाहती, बहू सास को देखना नहीं चाहती, यूनिटी नहीं है। जब यूनिटी नहीं होगी वो परिवार कभी ब्लेस्ड नहीं होगा, वो फैमिली कभी ब्लेस्ड नहीं होगी, क्योंकि इसी मेल मिलाप की वजह से परमेश्वर ने कितनी बार इसराइल पर दया करी। क्योंकि यहूदी रब्बी कहते हैं इसराइल में कई बार बहुत पाप हुए लोगों के, लोगों ने बहुत से मेजर मेजर पाप किए, लेकिन जब वो यूनिटी के साथ रहे तो परमेश्वर ने भयंकर प्रकोप नहीं डाले, परमेश्वर ने बचा लिया। यूनिटी परमेश्वर को पसंद है, मेल मिलाप से रहना पसंद है। इसका अर्थ ये नहीं कि मेल मिलाप से रहो और पाप करते रहो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पाप करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में वैसे घृणित है, लेकिन यूनिटी से जो प्रेम से रहता है परमेश्वर को ज्यादा पसंद है। आज कलीसियाओं में प्रेम नहीं है, विश्वासी लोग अपनी परेशानी में पास्टर को 10 बार फोन करते हैं, पास्टर साहब ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी आप मेरे लिए प्रार्थना करो। अब पास्टर को पता है पास्टर परेशान है, पास्टर से कभी हालचाल नहीं पूछेंगे, कभी मतलब नहीं रखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि वो प्रेम हम एक दूसरे से रखें, प्रभु चाहता है हर पास्टर अपनी कलीसिया से प्रेम करे, और वैसे ही कलीसिया पास्टर से प्रेम करे, और सब मिलकर वैसे ही परमेश्वर से प्रेम करे, और समाज से हम प्रेम करे, क्योंकि प्रभु ने हमें जो आत्मा दिया है वो आत्मा हमें प्रेम का आत्मा दिया है। और पौलुस ने बोला मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मैं मनुष्य की बोली बोलूं, मैं कुछ भी करूं, जितना मर्जी सामर्थ्य मेरे पास वरदान हो, मैं इस पहाड़ को हटा दूं, मैं मुर्दे जिंदा कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। ये वचन बता रहा है, और हर एक को करेक्शन नीडेड है, ध्यान रखना, हर एक को करेक्शन नीडेड है। दाऊद जो था, दाऊद एक प्रॉफिट था, एक भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दास था, फिर भी दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, नतान नबी ने आकर उसको फटकारा, करेक्शन करवाया उसके जीवन में, क्योंकि वो पाप गलती कर रहा था। हर एक को करेक्शन नीडेड है, मुझे भी करेक्शन नीडेड है, वैसे चर्च के बिलीवर्स को भी चाहिए एक व्यक्ति जो उनके जीवन में करेक्शन के लिए काम करे, क्योंकि जब करेक्शन के लिए पास्टर उनको प्रचार करता है, सिखाता है, तभी उनका जीवन ब्लेस्ड होता है। जो पास्टर उनके करेक्शन के लिए प्रचार नहीं करता, उनको सिखाता नहीं है, उनके जीवन की गलतियों के ऊपर काम नहीं करता है, ध्यान रखना उनका जीवन कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो सकता। हर एक को करेक्शन नीडेड है। अगर मैं बोलूं मैं एक पास्टर हूं, मुझे कभी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि दाऊद इतना बड़ा प्रॉफिट था, इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, उसके लिए भी परमेश्वर ने नतान नबी को खड़ा किया, जितना आके उसके लिए भविष्यवाणियां करी, उसको करेक्शन उसके जीवन में कराया उसने। हर एक के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त है हर एक व्यक्ति, वैसे ही परमेश्वर ने कलीसिया के लिए एक सेवक को नियुक्त किया है, ताकि आपके जीवन की कमियों के लिए करेक्शन करे, सही करे, और वचन से करे। क्योंकि लिखा है तीमुथियुस 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस वचन से आपको करेक्ट करना है, इस वचन से आपको सुधारना है। एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह जिम्मेदारी है, क्योंकि एक पास्टर आपके आत्मिक जीवन के पालन पोषण के लिए काम कर रहा है, वो एक शफड़ के रूप में, एक चरवाहे के रूप में आपके लिए काम कर रहा है। आप परमेश्वर की भेड़े हो, और परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी है अपनी भेड़े चराने के लिए। अगर वो आपको नहीं डांटेगा, नहीं समझाएगा, नहीं सिखाएगा, तो कभी आप आशीषित नहीं हो सकते। अगर आपके चर्च में कोई व्यक्ति पाप में है, कोई बुरे जीवन को जी रहा है, और निरंतर उसके जीवन में ये पाप है, अगर कोई पास्टर उसको नहीं बोलता है, नहीं डांटता है, नहीं समझाता है, सिर्फ इस डर से कि मेरी डांट से वो बुरा ना मान जाए, मेरी डांट से चर्च को छोड़ना दे, मेरी डांट से अलग ना चला जाए, तो वो पास्टर नहीं है, वो लोगों को खुश कर रहा है। और पौलुस ने बोला अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। अगर कोई प्रभु का दास है तो लोगों को खुश करने के लिए कभी भी बातें नहीं बोलेगा, वो वही बातें बोलेगा जो परमेश्वर का वचन उसको सिखाता है, जो परमेश्वर का वचन उसको बोलने के लिए कहता है। और आज हमने जाना कि परमेश्वर किन चीजों से बहुत घृणा करता है, किन चीजों से घृणा करता है, और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आज हमें सीखना है दो लोगों के बीच में, चार लोगों के बीच में झगड़े उत्पन्न नहीं कराने, उनके बीच में प्रेम उत्पन्न कराना है, झगड़े नहीं प्रेम, क्योंकि प्रभु यूनिटी को पसंद करता है। आज हमने जाना अगर हम मेल मिलाप से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो हम अपने आप ही आशीष हो जाएंगे। आज कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम के साथ रहें, अपने रिश्तेदारों के साथ प्रेम के साथ रहें, अपने सगे संबंधियों के साथ प्रेम के साथ रहें। एक घर में सास बहू, भाभी नंद,
सास ससुर पति पत्नी सारे प्रेम के साथ रहें। जब प्रेम के साथ रहोगे तभी आप ब्लेस्ड रहोगे, वरना नहीं। आपको डेवलप परमेश्वर तभी करेगा, आपको ब्लेस्ड तभी करेगा जब सारे लोग प्रेम के साथ रहेंगे। अब घर में प्रेम ही नहीं है। पिता आया थका हुआ, एक कोना पकड़ा और सो गया। बच्चे आए, पिता को देखे वो साइड कमरे में चले गए, वो सो गए। पत्नी आई, खाना खाया, दोनों को खाना दिया, बच्चों को भी और अपने पति को भी, और वो भी सो गए। एक दूसरे से बात ही नहीं करते, सबने अपने अपने फोन पकड़े, कोने में चले गए, सब लोगों ने अपने अपने फोन चलाए और सो गए। प्रेम ही नहीं है, यूनिटी नहीं है। कब आपकी फैमिली में ब्लेसिंग आएगी? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अगर आपस में प्रेम के साथ नहीं बैठेंगे तो प्रेम के साथ बैठे अपने पिता के साथ, प्रेम के साथ बैठे अपनी माता के साथ, प्रेम के साथ बैठे अपने भाई बहनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ। जब तक आप प्रेम के साथ नहीं बैठोगे आप ब्लेस नहीं हो सकते।